गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा पांचवी का पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पाठ नौ, महानदी की आत्मकथा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी है। यह सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। यह धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ महानदी पतली धारा के समान दिखाई पड़ती है। धमतरी में गगरेल बांध महानदी पर बनाया गया है। गगरेल बांध बनने से महानदी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा है। इस बांध में बिजली भी पैदा की जाती है। महानदी धमतरी में छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल राजिम में पहुंचती है। यहाँ पर यह सोंडूर नदी और पैदल से आकर मिलती है। राजिम से निकलकर आरंभ होते हुए महानदी शिवरी नारायण पहुंचती है। यहाँ पर मांड नदी पर महानदी का संगम होता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर महानदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर एक बहुत बड़ा बांध हीराकुंड बनाया गया है। महानदी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लेकर चलती है। महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, जिससे कुम्हार बर्तन, खिलौने आदि बनाते हैं। उड़ीसा के पारादीप में महानदी कई छोटी मोटी धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ कई छोटी बड़ी शाखाओं के साथ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लोग अक्सर महानदी के किनारे नहाते हैं, पूजा के फूल, मूर्तियाँ आदि विसर्जित करते हैं। साथ ही पॉलीथीन की थैलियाँ, बोतलें आदि भी फेंकते हैं। शहरों का गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी महानदी को गंदा करते हैं, जिससे महानदी का पानी स्वच्छ और पीने योग्य नहीं रह जाता है, जिससे कि महानदी दुखी और उदास है। यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ संबंधित प्रश्न उत्तर खालिस्तान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।